की जगह बड़ी पसंद है। ये देखें अभी गजरा भी लेके आया था और बहुत अच्छा लग रहा है। ये नहीं है कि बंदा मौत से खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने मुआशरे में एक किरदार अदा किया है। मैंने मेहनत करके 10-11 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बीबी जी बिना गोइंदी विद अ न्यू एपिसोड ऑफ राइटर ऑन द रोड। दोस्तों आपको पता है कि आज पाकिस्तान में इस वक्त मेरा आज ऑफिशियली तो तीसरा लेकिन वैसे दूसरा दिन है, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ कहाँ पे अपना ड्राइवर लाइसेंस को रिन्यू कराने। तो इसलिए जब मैं ड्राइवर लाइसेंस रिन्यू हुआ तो मेरे साथ अब्बास हैं जो कि मेरे साथ गाड़ी चला रहे हैं। आपको पता है मुझे गाड़ी खुद चलाने की आदत है तो मैं तो बैठ ही नहीं सकती, तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ ड्राइवर लाइसेंस रिन्यू कराने। तो आप भी हमारे साथ चलिए। ये देखिए इस वक्त जा रहे खाने की क्या अच्छी प्लेट लगाई है, दिल तो जा रहे ये टेंडर्स खाने के एनएन के, लेकिन नहीं खाने इसलिए टू मच सॉल्टी। देखते हैं क्योंकि घर के टेंडर्स तो मजे के होते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बाहर से अगर खाना है तो फिर स्ट्रीट फूड खाया जाए। लाहौर के खाने तो खाने हैं तो फिर तो रेडियो से खाने खाए ताकि और बीमार हो जाए, लेकिन हम खाएंगे अब जल्दी तो खाएंगे और कुछ नहीं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं मेन बुलेवार्ड, ये जो लिबर्टी को सड़क जाती है गुलबर्ग से जाती है, इस वक्त जा रहे हैं। रश तो मुझे नहीं लगता अब सड़कों पे उस तरह का जो पहले होता था, क्योंकि बहुत ज्यादा बन गए हैं जिसे कहते हैं पुल और डाइवर्शन बहुत ज्यादा हो गई है। इट्स रियली गुड, लेट्स सी। अब हमने जाना है उसके दफ्तर, सुना है कि लिबर्टी के चौक के पास है लिबर्टी मार्केट, अब देखते हैं ये एक्चुअली है कहाँ पे। ये आ गया लिबर्टी चौक और अब हम इधर से हम देखते हैं कि हमारा किस साइड पे है हमारा दफ्तर जो है ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस जो है। तो उधर हम जा रहे हैं और उधर हम बनाने लगे हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू। दफ्तर है ये पार्किंग जो राउंड अबाउट है उसी के अंदर यहाँ पे ऑफिस है। अब हम ऑफिस देख रही हूँ किस साइड पे है, लेट्स सी वेयर इट इज। अब देखते हैं जनाब इस बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग क्या है, ये पार्किंग लॉट है जो बनी हुई है बड़ी लिबर्टी के सामने और इधर ही गालिबन इसका दफ्तर है। बहुत अच्छा दफ्तर लग रहा है मुझे तो यहाँ पे, सारा इट्स ऑल रियली गुड। ये नया दफ्तर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छा ऑफिस है। टोकन कहाँ से मिलेगा, वहाँ पे कहाँ टोकन किधर से मिलेगा, इसके अंदर सब। थैंक यू। और दोस्तों ये देखें, ये मेरे हाथ की पिंकी की इन्होंने ले ली फिंगरप्रिंट। आप ये कहते हैं लगेंगे ही नहीं, अगली 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 ये वाली आए नहीं, जोर से लगाए बेटा आगे दोबारा। ये लो बेटा, लग गए और ओ अच्छा अच्छा ओ सॉरी सॉरी जनाब। अब बड़ा सिंक्रोनाइज सिस्टम कर दिया और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आई रियली लाइक पाकिस्तान, दैट्स व्हाई आई लव पाकिस्तान। द नेक्स्ट डे सुनहरी बैंक में काम था, वो मैं अपना वो काम करके फिर हमारे एक दोस्त आए हैं उनको हमने बुलाया है, आपको उनसे मिलवाते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज मैंने आपको मैंने बताया था ना कि मैंने अपनी ड्राइविंग खुद कर रही हूँ, तो आज मैं ड्राइविंग सीट पे ड्राइविंग खुद कर रही हूँ विच इज़ वेरी प्लेजेंट फॉर मी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इसलिए चूंकि लाहौर में ड्राइविंग करना टफ भी है लेकिन मेरे लिए अच्छा चैलेंज होता है, गुड एक्सपीरियंस, सो आई लाइक इट। दोस्तों आपको पता है कि आज मैं काम तो बहुत से कर रही थी लेकिन बीच में एक ऐसा काम आ गया जो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो काम क्या है, वो काम बहुत इम्पोर्टेंट था जब इतनी दूर दराज से अपने प्यारे दोस्त और दिखने वाले
भिखारी कोई जब आए और काम करने वाला जो अमली तौर पे भी काम करता हो तो उसको मिलना बहुत लाजमी हो जाता है। तो इसी अपने मसरूफियत में फुर्सत के लम्हात मैंने निकाले और फुर्सत को अपने साथ और उनके साथ गुजारा। तो ये हैं जनाब पना बलोच साहब जो कि हमारे बलूचिस्तान से आए हैं और आज हमारे गोंडा के मेहमान भी हैं। तो इसलिए अभी और लोग भी आएंगे लेकिन पना बलोच से हमारी बात हो रही है वन-टू-वन, तो आप भी सुनिए। मैं ये समझती हूँ कि मौत जो है इसमें हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक्चुअली मौत जो है वो मिजरी नहीं है, मौत एक मेरे ख्याल में वो अबदी जिंदगी नहीं है, इट्स अ प्रोसेस और उस प्रोसेस पे जाने के लिए हमें खुश भी होना चाहिए। इसलिए चूंकि हमारी कंप्लीशन हुई है एक मुकाम से नेक्स्ट स्टेप पे इंतकाल है ना, मौत एक हकीकत है जी। कुछ अरसा पहले बच्चों के साथ घर वाइफ के साथ सबके साथ बैठ के बात कर बर्ता हो रहा था तो मैंने उनको कहा था मैडम जी मौत हकीकत है, कभी किसी वक्त भी आ सकती है और ये नहीं है कि बंदा मौत से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने माशरे में एक किरदार अदा किया है। मैंने मेहनत करके 10-11 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि मैंने अपना फ़र्ज एक अपनी जिंदा यानी कि मौत के बाद ज़िंदगी का सबब जो है वो मैंने बना लिया है। तो अगर मैं एज ए फ़र्ज चला जाता हूँ तो एज ए मेरा किरदार मेरा जिंदा रहेगा, तो लिहाजा इस पे मेरे हिसाब से कि उनको भी और किसी और को भी ये नहीं करना चाहिए कि भाई बंदा चले जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये हकीकत है और हकीकत का सामना बहुत बेसिकली इंतकाल है एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी की तरफ, तो वो जिंदगी है वो तो ठीक है, वो तो हमारी उर्दू में है ना, हाँ। उर्दू में कहते हैं ना, पर्शियन में कहते हैं या अरबिक में कहते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर उस प्रोसेस को भी देखें उस अमल को भी देखें तो वो यही है। तो ये बहरहाल बड़ा अच्छी बात हो रही है दोस्तों और अब हम आगे इनसे बातचीत कंटिन्यू रखते हैं लेकिन लेट्स वेट फॉर द अदर फ्रेंड। जिंदगी और मौत की बातें हो रही थी और इसी दरमियान में मेरी आमना मेरे लिए और अपने लिए ये सब गजरे वहाँ पे इन्होंने लेके आई और फिर हमने कॉफ़ी और चाय पी और स्नैक्स लिए और अब भी हमारी गुफ्तगू जारी रही है। ये जगह बड़ी पसंद है, ये देखें अभी गजरा भी लेके आया था और बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कि पाकिस्तान में ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। ये जगह जो थी इस हॉल की हमारी शादी में ओपनिंग हुई थी, हमारी शादी यहाँ का पहला फंक्शन था बहुत साल पहले, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो आज हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे महफिल बहुत अच्छी लगी हुई है। ये देखें ये हमारे सब दोस्त हैं, ये देखें दोस्तों नींद तो कोसों दूर थी तो मैं अपना एक चाय का कप बनाती हूँ और साथ में मैं अपना ये मजमून मुकम्मल करती हूँ। इतनी देर में आप ये सुनिए जो हमारे दोस्त शाम आए और घर में हमारी ये छोटी सी महफिल लगी, सुनिए। वो के जो प्यासे सकीना जानते हैं और मैं उन आंखों की रो के आबे रहा हूं, बस मैं उन आंखों की रो के आबे रहा हूं, पीने वाले हैं सो पीना जानते। बहुत अच्छे जिंदे जीना मारो बीबा या तू जित या हार बीबा, देखो कबरां जोगे हो गए, देखो कबरां जोगे हो गए, फुल्लां वाले हार ते कमकारां तों वे न लभदी, कमकारां तों वे न लभदी, मुकदे जांदे यादां, भाई वाह 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 वाह, कमकारां तों वे न लभदी, मुकदे जांदे यार बीबा,
केड़ी जन्नत केड़ा बहुत अच्छा दोज़ख वांगो कारवां भाई वाह 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 बहुत अच्छे जन्नत केड़ा बेड़ा बहुत अच्छे दोज़ख वांगो कारबीबा पिछले पैर हयाती हुई पिछले पैर हयाती हुई लई ना सुनी वाह 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 बहुत आला बहुत पिछले पैर हयाती हुई लई ना अपने खबरे किथे किथे कीता खबरे किथे किथे कीता मेरे नाल भाई वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे खबरे बहुत अच्छे गुल साहब ਸਾਥੋਂ ਹੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬੀਬਾ ਤੇ ਗੁਲ ਅੰਤਾਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਲ ਅੰਤਾਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਣਾ ਮਾਰੋ ਬੀਬਾ ਯਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਯਾ तो दोस्तों ये है हमारा आज का मसरूफ तरीन दिन। पाकिस्तान में आकर यहाँ मैं बहुत से काम करती हूँ। आपको मालूम है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि रात का वक्त गुजारना ये देखें ये मुख्तलिफ दवाइयाँ चीज़ें इनको दुरुस्त कर रही हूँ और फिर मैं कोशिशें करती हूँ और फिर मैं बाज़फा मिडनाइट में भी उठना हमें पड़ जाता है इसलिए क्योंकि नींद ही नहीं आती। वो हमारा क्लॉक नींद का सेट हो रहा होता है तो नींद का क्लॉक सेट हो रहा है और मैं अभी अपनी छोटी सी लाइब्रेरी जो मेरी है मेरे कमरे में मैं उधर आई हूँ और इधर मैं देखती हूँ कि आज मुझे कौन सी किताब निकालनी है। तो मैं अपनी एक किताब निकालती हूँ जो मुझे पढ़नी है। तो कल आपको एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी और यकीन मानिए कि कल हमारा स्टार्ट जो डे है यानी फ्यू आवर्स में वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो कल आपने मिस नहीं करना, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और आपने मेरा चैनल देखना है और इसको फॉलो करें इसे शेयर कीजिए। देखिए फिर आपको कितने मजे मजे की बातें मिलेंगी क्योंकि कॉन्टिनेंट बदलने से बंदे नहीं बदलते यही मैं कहा करती हूँ। मैं अगर वहाँ पे भी अपनी लाइब्रेरी में ही पाई जाती थी तो यहाँ पे भी अपनी लाइब्रेरी में ही पाई जाऊंगी। और बिना को इजाजत दीजिए बीबी जी आपसे कल मुलाकात करेगी। अस्सलाम वालेकुम।